अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे दादा का खेत। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कितनी बार खेत बताऊंगी हमारे दादा का। पिछली बार मैंने जो खेत बताया था वो है बफेलोस और काउस को फीड देने का खेत था। ये खेत अलग खेत है और इसमें जो है चावल वगैरह वगैरह पिकते हैं, लेकिन अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है क्योंकि पूरा साफ़ कर चुके हैं, मतलब पूरा निकाल चुके हैं। वो आप देख सकते हो, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है और यहाँ पे खेलने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन हम बार बार नहीं जा सकते यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कितना हरियाली है, ग्रीननेस। आपको यहाँ पर जाने से आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। बहुत खेलते हैं हम जब भी जाएँ हम, तो आप देख सकते हो दूर दूर तक दिख रहा है और पहाड़, और मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेश एयर, फ्रेश हवा, सब कुछ मिलता है यहाँ पर। और ये अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पर, मतलब के चावल, कॉटन, मिर्ची वगैरह वगैरह यहाँ पर रहते हैं ना, वो नहीं है अभी फ़िलहाल। लेकिन हरियाली तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है यहाँ पर जाना, लेकिन हम बार बार तो नहीं जा सकते हैं ना। और बहुत अच्छा वेदर है, बारिश गिरने ही वाला था, बहुत सुपर वेदर है यहाँ पर। यहाँ पर जाने से आप बहुत फ्रेश फील करोगे, बहुत सुकून फील करोगे, पीसफुल फील करोगे। यहाँ पर सिटीज़ में तो पोल्यूशन होता है, नॉइस होता है, बहुत कुछ होता है पोल्यूशन, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो फ्री, बहुत पीसफुल लगेगा, आप देख सकते हो। और यहाँ वेदर बहुत अच्छा है, बहुत हरियाली है, आप देख सकते हो दूर दूर के पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं ये वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आयशाज़ क्वीन।